ASN24 पल पल की खबर। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय के सामने राछा चौक पर प्रदेश कांग्रेस के निर्देश से ब्लॉक कांग्रेस नवागढ़ द्वारा हाथरस में हुए जघन्य अपराध के विरोध में तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से नवागढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष भुवनेश्वर केशरवानी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने को लेकर एवं राहुल एवं प्रियंका गांधी के साथ हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के दुर्व्यवहार के विरोध में मौन सत्याग्रह प्रदर्शन किया गया। साथ ही कांग्रेस की नेत्री ज्योति किशन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने भी बड़े कड़े शब्दों में उत्तर प्रदेश पुलिस के व्यवहार की एवं पीड़ित परिवार के पक्ष में न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नवागढ़ थाना के पुलिसकर्मियों ने इस आंदोलन में रुकावटें करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत उच्चाधिकारियों तक करेंगे। हाथरस में हुई घटना के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवागढ़ के कांग्रेसी कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही नवलगढ़ तहसील को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म के मामले में निष्पक्ष जांच के साथ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग राष्ट्रपति से की गई। कार्यक्रम प्रभारी विनोद शुक्ला, बजरंग शर्मा एवं ब्लॉक अध्यक्ष भागवत कश्यप, महारथी बघेल, वाजिद खान, सनत जलतारे, आनंद कश्यप, रामनिवास, शांतोष, अनिल गोड़, रेहम बर्मन उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने जहां एक दलित हमारी बेटी मनीषा के साथ एक सामाजिक घटना हुई, उसका उस परिवार के प्रति हमारे कांग्रेस नेताओं द्वारा जब संवेदना प्रकट करने के लिए गए, तब भाजपा की योगी सरकार द्वारा उन लोगों के साथ पुलिसिया दुर्व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में आज हम सब यहां कांग्रेसी हर ब्लॉक स्तर में एक मौन सत्याग्रह का आंदोलन किए हैं। और आज यहां भी नवागढ़ में भी पुलिसिया दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है, जहां आज हम लोगों को भी यहां आंदोलन करने से रोका गया। इसका एक महिला होने के नाते मैं कड़ा विरोध करती हूँ और ये केंद्र सरकार से ये निवेदन करती हूँ, ये आंदोलन के माध्यम से कहना चाहूँगी कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, नहीं तो ये आंदोलन और फिर हम TI के खिलाफ ये शिकायत करेंगे। जब आज हर जगह हर ब्लॉक में आंदोलन हो रहा है, तो यहाँ क्यों हम लोगों को आंदोलन करने से रोका गया, इसका हम लोग शिकायत करेंगे। आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जो उत्तर प्रदेश में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, ओकर शासन प्रशासन है अपराधी पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। साथ में जो पीड़ित परिवार है ओकर से मुलाकात करे हमार पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और हमार प्रियंका गांधी जी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, मनोहर ढानस बनाया जा रही जिला रास्ता में पुलिस वालों में रोक दी, मतलब मिलन नहीं दी, एक विरोध में और अपराधी मन के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हुआ है। इकल लिए हम आज संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन आंदोलन कर रहे हैं। रिपोर्ट KSN24।